जो बचे हैं संग समेट लो के सारे एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। प्लीज़ कहानी सुनते समय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2 घंटे की तवील मीटिंग जिसमें हर चीज़ हतमी तौर पर तय कर ली गई थी कि अख्तिताम पर वो कंपनी के 2 एग्जीक्यूटिव्स के साथ ही कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली थी। उन दोनों से खुशगवार अंदाज में रस्मी नौइयत के अलविदाई जुमलों के तबादले के बाद वो वहाँ से रुखसत हुई थी। शाम के 5 बज रहे थे और ये ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाने का वक्त था। उसे आते जाते मुख्तलिफ लोग जल्दी जल्दी काम समेट कर घर जाने की फ़िक्र करते नज़र आ रहे थे। वो लिफ्ट के पास आकर खड़ी हुई थी। उसने लिफ्ट का बटन दबाया था। लिफ्ट आ गई और वो लिफ्ट में दाखिल होने लगी। तब उसके पीछे कोई और भी लिफ्ट में दाखिल हुआ था। सीधे होकर खड़े होते हुए उसने देखा वो सिकंदर था। उसका ब्लैक लेदर ब्रीफकेस उसके दाएं हाथ में था और लैपटॉप बैग बाएं कंधे पर लटका था। उसका चेहरा संजीदा था। इस बार सिकंदर ने भी उसे अभी ही देखा था। लिफ्ट में दाखिल हो जाने के बाद कम से कम इतना वो बता सकती थी कि उसने उसे अभी अभी देखा है। सिकंदर का 2 घंटे कबल का रवैया उसे याद था, इसलिए वो मुस्कुराई तो नहीं, बस इखलाकन संजीदगी से पूछ लिया, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद और नॉर्मल लग रहा था, मगर पता नहीं क्यों इस बार लिफ्ट में उसके पास खड़े होकर जब उसने उसकी आंखों में देखा तो बहुत सा दर्द, तकलीफ़ और वीरानी सी नज़र आ रही थी। ठीक है, सिकंदर का जवाब मुख्तसर और संजीदा था। उसकी आंखों की वीरानी, खामोशी और दर्द ने उसके गुस्से को पल भर में कहीं दूर ले जा फेंका। न जाने क्या दुख लाहक था उसे जो वो यूं इतना अजीब, इतना मुख्तलिफ सा मिजाज रखता था। वो सिकंदर पर अपना गुस्सा कायम नहीं रख पाई थी। वो आर्टिस्ट थी, इसलिए हसास ज़्यादा थी। शायद इसीलिए वो उस शख्स के लफ्ज़ और रवैये नहीं, उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश करती थी। उसके लफ्ज़ों और रवैयों में सर्दमहरी, बेगानगी, अजनबियत और बेमरवती होती थी, मगर उसकी आंखों में दर्द ही दर्द, गम ही गम, इतनी उदासी और इतनी वीरानी उसने कभी किसी की आँखों में नहीं देखी थी। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ गई थी। वो सिकंदर को देख रही थी और वो लिफ्ट के फर्श को उससे लाताल्लुक, बेनियाज, बेपरवाह, वो दोनों लिफ्ट से बाहर आ गए थे। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं सिकंदर? हाँ, उसने एकदम चौंक कर यूं उसे देखा जैसे यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। वो बहुत उलझा और बहुत बिखरा हुआ लग रहा था। मैं तुम्हें तुम्हारे होटल ड्रॉप कर दूं, ये पूछ रही थी मैं। उसने हल्की दोस्ताना सी मुस्कुराहट के साथ अपना सवाल दोहराया। सिकंदर ने उसे बगौर देखा था, यूं जैसे वो कुछ सोचने लगा है। एकदम ही से वो उससे बोला, तुम्हें इस वक्त कोई और काम तो नहीं है लीज़ा? नहीं, क्यों? वो इतना गैर मुतालका सा सवाल सुनकर हैरान हुई थी। तुम मुझे किसी ऐसी जगह ड्रॉप कर दो जहाँ सब्ज़ा हो, ताज़ा हवा हो, मैं कुछ देर खुली आबो हवा और हरियाली के बीच रहना चाहता हूँ। उसने बोलते हुए खींच कर यूं सांस लिया जैसे उसकी सांस घुट रही हो, उसे सांस लेने में दिक्कत का सामना हो रहा हो। ठीक है, चलो, वो जवाबन मुस्कुरा कर बोली। अब वो ये बात यकीन से कह सकती थी कि सिकंदर की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं थी। शायद उसे फिर सर्वाइकल पेन हो रहा था। निपल जाते हुए भी उसने सिकंदर की यही कैफियत देखी थी। वो दोनों बाहर आ गए थे। सिकंदर उसके बराबर वाली सीट पर खामोश होकर बैठ गया था। जी 1-2 सेकेंड खामोशी से ड्राइव करने के बाद उसने सिकंदर को देखा। तुम्हें सर्वाइकल पेन हो रहा है? सिकंदर ने बेसाख्ता चौंक कर उसे देखा। एक पल उसे बगौर देखते रहने के बाद उसने सर हाँ में हिला दिया। तुम किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो ना, इतनी यंग एज में इस तरह की तकलीफ़ और वो भी इतनी जल्दी जल्दी तो नहीं होनी चाहिए, वो दोस्ताना अंदाज और पुरखलूस लहजे में बोली थी। तुम मुझे कहाँ ड्रॉप करोगी? अपनी सेहत से मुतालिक उसके जुमले पर महज हल्का सा सर हिलाकर सिकंदर ने फौरन ही मौजू तब्दील कर दिया। गोया और बहुत सारी बातों के साथ वो अपनी सेहत के मुतालिक पे कोई बात नहीं करना चाहता था। हम विला बॉर्जीज जा रहे हैं।
बोर्ग हेजगार्ड्स का तुमने नाम तो ज़रूर सुन रखा होगा। हम, उसने सिकंदर को हैरानी से अपनी संत देखते पाया। जी हम, तुम्हें वहाँ छोड़कर आ जाऊँ, तुम अकेले अकेले वहाँ एंजॉय करो और मैं अपने अपार्टमेंट जाकर बंद हो जाऊँ, ये तो कोई इंसाफ नहीं। तुमसे सुनकर मेरा भी दिल चाह रहा है खुली खुली सरसब्जी जगह पर वक्त गुजारने का। वो आदतन मुस्कुरा कर बोली थी, इस बार उसने सिकंदर के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आती देखी। लीजिए जनाब, पहुँच गए हम पोपोलो डेल प्याज़ा, यहीं से मेन एंट्रेंस है विला बोर्जीस के अंदर जाने के लिए। चंद मिनटों के बाद गाड़ी एक दूसरी सड़क पर मोड़ते हुए लीजा ने सिकंदर से कहा, विला बोर्जीस गार्डन्स में दाखिले के लिए कोई टिकट नहीं था, मगर अंदर जाने के बाद मैं वहाँ मौजूद म्यूजियम्स या आर्ट गैलरीज विज़िट करती हूँ तो उसके लिए टिकट ख़रीदना लाजमी था। आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स में जाने के ख्वाहिशमंद अफराद वहाँ तवील कतारें लगाए नज़र आ रहे थे। चूँकि सूरज ग़ुरूब होने में अभी ख़ासा वक्त बाकी बचा था, चुनांचा गार्डन्स में सब्ज़े और हरियाली को इन्जॉय करने के लिए आने वालों की तादाद भी कसीर थी। मुझे पता होता आज मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूँ तो आर्ट गैलरीज़ में जाने के लिए ऑनलाइन टिकट ख़रीद लेती, अब इस वक्त इतनी लंबी कतार में लगने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। कदीम रोमन आर्किटेक्चर वाले दाखिली रास्ते से अंदर दाखिल होते हुए वो सिकंदर से बोली थी, तुम्हें आर्ट में दिलचस्पी नहीं वरना तुम यहाँ मौजूद खूबसूरत और बेमिसाल आर्ट कलेक्शन को देख कर बहुत मुतासर होते। यहाँ रफेलो रफेल बर्नी ने उन सब का बड़ा नादर काम मौजूद है, आर्ट के शायकीन के लिए तो नामुमकिन है कि वो रोम आएँ और यहाँ विज़िट किए बग़ैर चले जाएँ, वो इसके साथ चलते हुए बोल रही थी। तुम तो अभी बहुत सारे दिनों तक रोम में मौजूद हो, फिर किसी दिन टिकट ख़रीद कर यहाँ आ जाना और यहाँ मौजूद तमाम आर्ट गैलरीज और म्यूज़ियम्स को सैर कर लेना, सिकंदर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला था। लीजा ने बग़ौर उसे देखा, अब उसके चेहरे पर तनाव वाली कैफियत नहीं थी, सर्द और सपाट तासुर की जगह चेहरे पर दोस्ताना सी मध्यम मुस्कुराहट ने ले ली थी, जैसे उसे याद आ गया हो कि वो दोनों कई दफ़ा मिल चुके हैं, बहुत बातें कर चुके हैं और बहुत सारा वक्त एक साथ गुजार चुके हैं। शायद यहाँ के सब्ज़े और हरियाली ने उसके मिजाज पर खुशगवार असर डाला था, या फिर उसे ये भोली हुई बात याद आ गई थी कि वो लीजा से दोस्ती कर चुका है। वजह जो भी थी, बहरहाल वो अब कदरे पुरसकून और मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा था, उसकी आंखों की वहशत और सन्नाटा भी कुछ कम नज़र आ रही थी। हम लेक गार्डन में चलकर बैठे, इर्द गिर्द हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। वो दोनों उस वक्त चैटर और सनोबर के दरख्तों के दरमियान एक खूबसूरत रास्ते से गुजर रहे थे। ये एक नहीं, दरअसल काफ़ी सारे गार्डन्स का मजमुआ है। ये गार्डन की अपनी अपनी अलग खूबी है, कहीं तुम्हें फलों के दरख्त ज़्यादा मिलेंगे, कहीं मशहूर फनकारों के बनाए हुए कदीम मुजस्मे और फाउंटेन, और कहीं किसी जंगल का सा कुदरती तासुर देता गार्डन। मुझे ज़ाती तौर पर लेक गार्डन ज़्यादा पसंद है, वहाँ झील में कश्ती चलाई जाए या झील किनारे दरख्तों की छाँव में बैठा जाए, मुझे तो दोनों में बहुत मज़ा आता है। सिकंदर के चेहरे की सवालिया सी हैरानी देख कर उसने वजाहत की थी, जो जगह तुम्हें ठीक लगे वही मुनासिब है, तो तुम्हें तो पता है मैं यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, कभी बहुत पहले रोम के मुताबिक किसी सफ़रनामे में ज़रूर यहाँ के बारे में पढ़ा था, मगर वो भी अब कुछ ख़ास याद नहीं। वो अब मुस्कुराते हुए बिल्कुल उसी तरह बात कर रहा था जैसे क्लोजियम में उसके साथ की थी। यहाँ के बारे में मैं तुम्हें बता देती हूँ, खूबसूरत दरख्तों और सब्ज़े से भरे रास्ते से गुज़रते वो दोनों लेक गार्डन तक पहुँच गए थे। उसने सिकंदर की तरफ देखा, वो इर्द गिर्द निगाहें दोहरा रहा था, उसकी जगह को तारीफ़ी नज़रों से देखता नज़र आया। है ना, ये जगह बहुत खूबसूरत, उसने सवालिया अंदाज से सिकंदर से पूछा था। 16वीं या 17वीं सदी के आर्किटेक्ट वो खुद ही थी, सिकंदर ने उसकी तरफ फौरन देखा था और बेसाख्ता मुस्कुराया था। तुम जिस तरह अपने रोमा और रोमा की हर चीज़ से प्यार करती हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है लीजा, धूप छाँव का सा मिजाज रखता वो शख्स अब यूँ मुस्कुरा रहा था, यूँ दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था, गोया आज उसके ऑफिस में लीजा से सर्द महरी से पेश आने वाला शख्स कोई और ही था।
यहाँ बैठ जाते हैं। झील से नज़दीक घास पर दरख्तों की छाँव में एक जगह सिकंदर को बैठने के लिए अच्छी जगह लगी। वो सर हिलाती उसके साथ वहाँ बैठ गई। सिकंदर की नज़रें पानी की तरफ थीं, जबकि वो उन कई कई सौ साल कदीम दरख्तों में से एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई थी। उसने सिकंदर की निगाहों के ताकुब में झील की तरफ देखा था। बहुत से सयाह पानी में चप्पू वाली किश्ती चलाते नज़र आ रहे थे। झील हर तरफ से सब्ज़े में घिरी थी। उसके हर किनारे पर दरख्तों के झुंड थे। बेलें थीं, फलों और फूलों से लदी दरख्तों की शाखें थीं। पानी पर सब्ज़े और फूलों का जो ये शेड पड़ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना सिकंदर। इधर देखो तो पानी सब्ज नज़र आ रहा है, वहाँ देखो तो सुर्ख, उधर गुलाबी और वहाँ नीला। एक ही झील ब एक वक्त कितने सारे रंगों से सजी है। वो मुस्कुराकर सिकंदर से कह रही थी। सिकंदर ने जवाबन उसकी तरफ देखा, ज़रूर, मगर बोला कुछ नहीं। उसे उसकी खामोशी बड़ी अजीब सी लगी। तुम्हें रंग अच्छे नहीं लगते सिकंदर। पता नहीं, मुझे रंगों को महसूस करना नहीं आता, वो बेख्याली में बोल गया। मगर जैसे ही उसे बेख्याली में मुंह से निकलती बात का ध्यान आया, फौरन बात बदल कर उससे पूछने लगा, तुम तो यहाँ पहले भी बहुत दफ़ा आई होगी। हाँ, सिकंदर को बग़ैर देखते हुए उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। उनके बिल्कुल सामने दरख्तों के पास सयाहों का एक ग्रुप आकर खड़ा हुआ था। उसमें दो अफराद इटालियन लग रहे थे, जबकि बाकी तमाम अफराद अमरीकन थे। शायद वो अमरीकन उन इटालियंस के मेहमान थे यहाँ। वो सब जैसे किसी मौज़े पर ज़ोर और शोर से गुफ्तगु और बहस मुबाहसा कर रहे थे। ग्रुप में शामिल एक अमरीकन जोड़े ने वहाँ तस्वीर खिंचवानी थी। वो लोग इसलिए वहाँ रुके थे, वो दोनों मियाँ बीवी ये चाहते थे कि तस्वीर में उनके अकब में झील इस तरह आनी चाहिए कि झील के बीचों बीच बना टेम्पल भी नज़र आए। सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहा था। जितनी देर वो मियाँ बीवी वहाँ तस्वीर खिंचवा रहे थे, बाकी अफराद वहीं खड़े बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। अमरीकन मेहमानों की खातिर उनके इटालियंस मेज़बान भी अंग्रेज़ी ही में गुफ्तगू कर रहे थे। उन लोगों की गुफ्तगू के चंद जुमलों से ही से समझ में आ गया था कि क्या मौजू डिस्कस किया जा रहा है। कल रात यहाँ वेला बॉर्गेस के बाहर वाली सड़क पर एक 17 साल लड़की का रेप हुआ था। गालिबन आधी रात से भी ऊपर का टाइम था। आज सारा दिन ये खबर तमाम न्यूज़ चैनल्स पर चलती रही थी। न्यूज़ चैनल्स के पास जब और कुछ खबर नहीं बचती तो इस तरह की खबरें चला चला कर लोगों का बीपी हाई करवाते हैं। सयाहों का वो ग्रुप्स तस्वीर खींचने के बाद वहाँ से हनोज उसी मौजू पर बातें करता हुआ जा रहा था। तब वो सिकंदर से बोली थी। सिकंदर भी उन लोगों की गुफ्तगू सुनता रहा था। ठीक है, मुझे भी हमदर्दी है उस लड़की से, उसके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर मैं ये पूछती हूँ, रात के 2:30 बजे वो अकेली सड़कों पर क्या करने निकली थी? एक तन्हा खूबसूरत लड़की आधी रात को सड़क पर किसी बदफितरत व बदकिरदार को मिले तो क्या वो उसे छोड़ देगा? माँ बाप से लड़ाई हुई थी या बॉयफ्रेंड से झगड़ा, तब भी इस तरह आधी रात को सड़कों पर फिरने की तक की क्या तुक थी? अपनी धुन में मगन बोलते हुए उसे सिकंदर के तासुरात का कुछ अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। उसके चेहरे के बदलते रंगों पर उसका ध्यान गया तो वो हैरान और परेशान सी रह गई। सिकंदर के चेहरे पर अजीब सा जुनून और वहशत फैली थी। वो इंतहाई सख्त निगाहों से उसे देखता हुआ फौरन ही वहाँ से उठ खड़ा हुआ था। सिकंदर, क्या हुआ? वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो बिल्कुल हक्का पक्का सी उसके साथ ही फौरन खड़ी हो गई। क्या हुआ सिकंदर? उसने बेहद हैरानी से पूछा। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, जो मर्ज़ी तबसरा कर देना बहुत आसान होता है लीज़ा महमूद। क्या जानती हो तुम उस लड़की के बारे में, बताओ मुझे। वो शदीद गुस्से में नज़र आ रहा था और इंतहाई गैज़ व गज़ब से उसे देख रहा था। लीज़ा ने उसकी सर्द महरी, अजनबियत, बेगानगी सब कुछ देख रखा था, मगर ये अंदाज़ ये उसकी समझ से बाहर था। न्यूज़ चैनल्स के लिए भी और तुम्हारे लिए भी अंदाज़े लगा लेना, उस लड़की पर तबसरे कर लेना, तनकीद कर लेना, मजाक उड़ा लेना बहुत आसान है। क्या तुमने सोचा उसके साथ कि ऐसा क्या हुआ होगा जो वो आधी रात को सड़कों पर थी? क्या गुजरी थी उस पर जो वो अपने घर से निकल पड़ी? लीज़ा महमूद, ज़िंदगी बर्बाद हो गई उस लड़की की। कल जो कुछ उसके साथ हुआ वो अब ज़िंदगी भर उसे खौफ, बेबसी और ज़िल्लत से बाहर नहीं निकाल सकेगा।
सिकंदर के लफ्ज़ों में सख्ती थी, बेपनाह गुस्सा और नफ़रत थी। वो फौरन ही वहाँ से जाने के लिए पलट गया। एक पल का तो वो बिल्कुल हैरान और परेशान साकित अपनी जगह पर खड़ी रही, मगर जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो वहाँ से जा रहा है, वो फौरन उसके पीछे भागी। सिकंदर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह नाराज़ क्यों हो गए हो? प्लीज़ रुको तो सही, उसने उसे पीछे से ही चिल्लाकर आवाज़ दी थी, क्योंकि वो जिस तेज़ रफ्तारी से जा रहा था वो उसका साथ देने में नाकाम थी। सिकंदर ने न मुड़कर उसे देखा, न कोई जवाब दिया, ना ही रुका। उसने अपने कदमों की रफ़्तार कुछ और भी तेज़ कर ली थी। उसने उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द से गुजरते लोग उसे ताज्जुब से देख रहे थे। सिकंदर, प्लीज़ रुक जाओ। थक कर मायूस सी होती वो अपनी जगह रुक गई थी। बेहंगम अंदाज में भागने की वजह से उसकी सांस फूल गई थी। वो वहीं खड़े होकर सांस बहाल करते हुए सिकंदर को देख रही थी। वो अब उसे विलाबोस केस से बाहर जाता नज़र आ रहा था। वो चेयर के दरख्त से टेक लगाकर खड़ी उसी तरफ देख रही थी। यूं ही बेमकसद गुफ्तगु बराए गुफ्तगु के तौर पर मुंह से निकले उसके चंद जुमले सिकंदर को इस कदर नागवार गुजर जाएंगे वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो बार बार जहन में अपने कहे जुमलों को दोहरा रही थी। उसे उनमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही थी कि उस पर यूँ गुस्से से बेकाबू हो जाया जाए। एक वक्त पर उसने अपनी राय दी थी, वो भी जवाबन। उससे इख्तलाफ करता अपनी राय दे सकता था। वो हैरान थी, वो बेहद परेशान थी। उसे सिकंदर पर गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे ताज्जुब हो रहा था, हैरत हो रही थी। हैरत में घिरी वो सिकंदर को समझने से कासिर भी थी और बहुत दुखी भी थी। आज उसे फिर दर्द हो रहा था। वो कुछ वक्त किसी खुली खुली सर सब्ज़ी जगह पर गुजारना चाहता था। उसकी इस बेमौका बात ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उससे तो कहीं बेहतर होता वो सिकंदर को विलाबोस छोड़कर खुद बाहर से वापस चली जाती। वो किस देर वहाँ खुली हवा में सांस लेना चाहता था। वो सब हरियाली, झील का पानी, आबी परिंदे, ये सब कुछ उसकी तबीयत की उदासी और पसमंदगी को दूर कर देते, कम तो कर देते ना। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। वो सिकंदर के लिए फ़िक्रमंद हो रही थी, वो उसके लिए उदास भी हो गई थी। न जाने क्या गम क्या दुख उसे लाग था। उसके साथ ने उस दुख को कम नहीं किया था बल्कि बढ़ा दिया था। आज बहुत दिल गिरफ्तार सी वो अपने अपार्टमेंट वापस आ गई थी। शुक्र था नैने घर पर नहीं थी। वो आज दोपहर से अपनी किसी सहेली से मिलने गई हुई थी। उसका दिल इतना उदास था कि उस वक्त उसका किसी भी बात को करने का दिल नहीं चाह रहा था। उसने ना लिबास तब्दील किया था, ना मुंह हाथ धोकर फर्श फ्रेश होने की कोशिश की थी। अंदर आकर खामोशी से लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गई। अब उसे ये फिक्र शुरू हो गई थी कि वो अपने होटल पहुंच गया होगा ना, वो ठीक तो होगा ना, उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना, वो क्या अभी भी गुस्से में होगा, वो क्या कर रहा होगा। रोम में एक और तवील शाम का अख्ताम हुआ था। सूरज गुरूब हो चुका था, हल्का हल्का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। वो उसी तरह सोफे पर उदास सी बैठी थी। नैनी भी कुछ देर कबल घर वापस आ चुकी थी, गालिबन मगरिब की नमाज़ अदा कर रही थी। उसे सिकंदर की शदीद फिक्र लाहक हो रही थी। उसने अपना मोबाइल उठाकर सिकंदर का नंबर मिलाया। वो तुलखी से बात करेगा या उससे बात ही नहीं करेगा, उसका फ़ोन ही नहीं उठाएगा। वो जो कुछ भी करेगा, मगर वो अब सिकंदर से बात किए बगैर रह नहीं सकती थी। तीसरी बेड पर उसकी कॉल रिसीव कर ली गई थी। हेलो, उसने सिकंदर की आवाज़ सुनी। उसके लहजे और आवाज़ में गुस्सा नहीं था, नाराज़ी भी नहीं थी वो, मगर फिर भी एक गैर मामूली बात थी। तुम ठीक हो सिकंदर? अपने होटल पहुंच गए तुम? उसने फिक्रमंदी से पूछा था। हाँ, मैं ठीक हूँ, सॉरी मैं इस तरह तुम्हें वहाँ छोड़ कर आ गया। उसकी माजरत बड़ी बुरपुर तकल्लुफ़ थी, जैसे वो खुद को फिर अपने उसी खोल में बंद कर चुका था जो आज कुछ पल के लिए चेंज किया था। उसने ना सिकंदर की मौजरत पर ध्यान दिया, ना उसके पुरतकल्लुफ़ अंदाज़ पर। उस सिकंदर के लहजे और अंदाज़ में जो गैर मामूलीपन महसूस हुआ था और जिसे वो फौरी तौर पर कोई नाम ना दे पाई थी, मगर अगले ही लम्हे वो समझ गई थी कि सिकंदर तकलीफ़ में है। उसे कहीं पर शदीद तकलीफ़ या दर्द हो रहा है। वो लहजे को चाहे जितना भी नॉर्मल बना लेता, मगर उसे अंदाज़ा हो रहा था कि जैसे वो तकलीफ़ से निकलने वाली अपनी आह को दबाता भेज भेज कर बात कर रहा था। तुम्हारी तबीयत कैसी है सिकंदर? उसकी मुआज़रत के जवाब में उसने बेख्तियार फिक्रमंदी से पूछा।
ठीक है, इस बार उसने एक दबी सी कराह की आवाज़ सुनी। अब तो वो मान ही नहीं सकती थी कि सिकंदर ठीक है। तुम कहाँ हो सिकंदर, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज़ सच बताओ तुम कहाँ पर हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, उसने परेशान होकर कदरे बुलंद आवाज़ में पूछा था। वो अब मज़ीद कोई झूठ सुनना नहीं चाहती थी, उसे वो ठीक नहीं लग रहा था। लीज़ा, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं अस्पताल में हूँ, वो आहिस्तगी से बोला। ओह माई गॉड, वो बेख्तियार सोफे पर से उठी थी। किस अस्पताल में हो तुम, मुझे नाम बताओ, उसने सेंटर टेबल से अपना हैंडबैग उठाया। तुम जहमत मत करो लीज़ा, मैं ठीक हूँ, तुम मुझे अस्पताल का नाम बताओ, उसने गुस्से से सिकंदर की बात काटते हुए कहा था। वो तेज़ी से जूते पहनते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ी थी। तेज़ ड्राइविंग करती वो बहुत जल्दी अस्पताल पहुंच गई थी। इस्तकबालिया से मालूमात लेती वो फौरन ही मतलूबा कमरे तक पहुंची थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो उसे सिकंदर बेड पर लेटा नज़र आया। उसका दायां पैर टेपों में जकड़ा हुआ था, माथे पर भी पट्टी बंधी थी और हाथ भी ज़ख्मी नज़र आ रहे थे। वो उसे देखकर मुस्कुराया था। ये सब कैसे हुआ सिकंदर, वो उसके नज़दीक आ गई थी, वो फ़िक्रमंदी से उसे देख रही थी। तुम्हारा दिल दुखा कर निकला था ना, बिला वजह तुम पर चीखा चिल्लाया, बस कुदरत ने इस बदतमीज़ी का फौरन ही सज़ा दे दी। लीजिए सिकंदर शहरयार, अब इस दियार गैर में जहाँ लीज़ा महमूद के सिवा कोई आपकी ज़बान समझने वाला नहीं, बिस्तर पर पड़ जाइए। वो हंस कर यूँ बोला गोया खुद अपना मजाक उड़ा रहा हो। वो उसके बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ कर फ़िक्रमंदी और तशवीश से उसे टेपों में जकड़ा देख रही थी। खूब तमाशा हो रहा था अस्पताल में, डॉक्टर्स नर्स सब मेरे गिर्द जमा इटालियन में मेरी चोटों का अहवाल पूछ रहे थे और मैं उन्हें अंग्रेज़ी में मेरे कहाँ कहाँ चोट लगी है समझाने की जतन कर रहा था। आखिर में हमने इशारों की ज़बान में एक दूसरे को अपना मद्दुआ समझाया था। वो यूँ बोल रहा था जैसे कोई बहुत लुत्फ लेने वाली बात हो रही है, जैसे उसके लिए उसका एक्सीडेंट कोई मज़ा लेने वाला वाक़या था। इतनी गमगीन शक्ल मत बनाओ लड़की, मैं ठीक हूँ। वो बिल्कुल संजीदा बैठी हुई थी। सिकंदर के लिए उसका एक्सीडेंट मजाक हो सकता था, उसके लिए नहीं। न जाने उसे कहां कहां चोटें आई थी, न जाने जबान के मसले की वजह से वो डॉक्टर को अपनी चोटों के बारे में ठीक से बता भी पाया था या नहीं। वो एकदम ही कुर्सी से उठी थी, वो डॉक्टर को दोबारा बुलाकर लाना चाहती थी ताकि डॉक्टर उसके सामने सिकंदर का दोबारा तफसीली मुआयना कर ले। कहां चली, बीमार की आयादत फूलों के साथ की जाती है, तुम मेरे लिए फूल भी नहीं लाई, कहीं फूल लेने तो नहीं जा रही हो। उसका वो तुल्ख मूड, उसका बेजार उकताया हुआ अंदाज़, जैसे वो सारी दुनिया से खफा हो, ये एकदम ही तब्दील हो गया था। वो अपने एक्सीडेंट की बात करके, अपनी चोटों का जिक्र करके हंस उठा रहा था, जैसे उसे बड़ा मज़ा आ रहा हो। क्या वो अपना एक्सीडेंट हो जाने पर खुश था, ये बहुत ही अजीब सा ख्याल उसके दिल में उभरा था। नहीं, वो एक नॉर्मल इंसान है, वो एक परेशान होने वाली फिक्र करने वाली बात पर खुश क्यों कर हो सकता है। डॉक्टर को बुलाने, डॉक्टर को मगर क्यों, वो सिकंदर की बात का जवाब देने के लिए वहाँ रुकी नहीं और तेज़ी से कमरे से निकल गई। 10-15 मिनट के बाद डॉक्टर के साथ वो दोबारा वहाँ मौजूद थी। डॉक्टर उसे मुतमईन करने के लिए सिकंदर का दोबारा तफसीली मुआयना कर रहा था। अगर जब उसे पहले ही बता चुका था कि उसके दोस्त को फौरी, बरवक्त और बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया जा चुका है, सिकंदर की चोटों के बारे में डॉक्टर से उसकी तफसीली बात को रेडोड में हो गई थी। सबसे ज़्यादा चोट सिकंदर के पैर में लगी थी, बाकी चोटें फिक्र करने वाली नहीं थी, मगर पैर की चोट के लिए डॉक्टर ने कहा था कि अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद भी अगले 1-2 हफ्ते बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। डॉक्टर सिकंदर का दोबारा मुआयना कर रहा था और वो उससे उर्दू में पूछती जा रही थी, तुम्हारे और तो कहीं चोट नहीं लगी ना, तुम्हें किसी और जगह तो दर्द नहीं हो रहा ना। वो उसी तरह मुस्कुराता हुआ मुतमईन सा लेटा था। डॉक्टर मुआयना करने के बाद उसे इत्मीनान दिलाता वहाँ से जाने लगा। तब उसने सिकंदर की दवाओं और एहतियात के मुतालिक चंद और सवालात किए। डॉक्टर उसके सवालों के तसल्ली बख्श जवाबात देकर वहाँ से चला गया था। हो गई तसल्ली, सही कह रहा था ना कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारे पैर में काफ़ी चोटें लगी हैं सिकंदर, ये मजाक की बात नहीं है, काफ़ी वक्त लगेगा तुम्हें चोट ठीक होने में, और भी वो भी अगर तुम एहतियात रखोगे, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करोगे तब। वो उसके पास वापस आकर कुर्सी पर बैठ गई थी। वो जवाबन लापरवाही से सर हिलाकर मुस्कुराया था। उसका
डिनर लेट हो गया था, इसलिए अब उसके लिए ट्रे में रात का खाना लाया गया था। खाना खा लो सिकंदर, हाँ वाकई मुझे भूख लग रही है, वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। उसने फौरन ही उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे उठने से रोका, अभी ज़्यादा हिलो जुलो नहीं, कहीं फिर ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए, लेटे रहो। फिर उसने प्लेट हाथ में उठाई और चावल भर कर चम्मच उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। सिकंदर उसकी तरफ बहुत गौर से देख रहा था मगर बोला कुछ नहीं। मुंह खोलो, क्या हो गया है, उसने कदर खफगी से कहा तो उसने मुंह खोला। फिश भी है लोगे, उसने दूसरी प्लेट में रखे मछली के पीस की तरफ इशारा किया। सिकंदर ने जवाबन सर इस बात में हिला दिया था, वो उसे कांटे से फिश भी खिलाने लगी थी। वो खामोश लेटा हुआ निवाले चबाता हुआ उसे देख रहा था। तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था सिकंदर, चम्मच उसके मुंह की तरफ बढ़ाते हुए उसने पूछा। पता नहीं, मैं विलाबोर गार्डन से बाहर निकलकर सड़क पर थोड़ा ही आगे गया होगा, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। गली थी, शायद कुछ गाड़ी वाले की तेज़ रफ्तारी की थी और कुछ मेरी लापरवाही की भी। अब ठीक से याद भी नहीं आ रहा कि हुआ क्या था, मुझे गाड़ी में डालकर अस्पताल में भी वो गाड़ी वाला ही लाया था। शुक्र है ज़्यादा चोटें नहीं आई, तुम्हारे पेट की चोट भी हल्की, जल्दी से ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, बहुत सच्चाई और अपनाइयत से बोली थी। जवाब में सिकंदर की मुस्कुराती नज़रें देखकर उसे हैरत हुई थी। क्या हुआ, उसने कदरे बुरा मानने वाले अंदाज में भौंहें पिचकाए। तुम्हारी उर्दू इंजॉय कर रहा हूँ, तुम्हारे इटालियन लहजे वाली उर्दू मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो जवाबन खिलखिला कर हंसी थी। मैं उर्दू बस नानी के साथ बोलती हूँ, या अपने पापा और उनकी वाइफ के साथ, या फिर कभी कभार सैम के साथ, और अब तुम्हारे साथ बोल रही हूँ। देखो मेरे गलत लफ्ज़ और लफ्ज़ों की अदायगी पर हंसो मत, मैं कम अज़ कम कोशिश तो कर रही हूँ ना, तुम तो मेरी ज़ुबान जानते भी नहीं हो। आज शाम से क्या हुआ था, वो इतने गुस्से में क्यों आ गया था, उसने इतना जारहाना रद्दअमल क्यों ज़ाहिर किया था, वो खुद को तकलीफ़ और अज़ियत में पड़ा देखकर खुश क्यों हो रहा था। शायद ख्वाहिश के बावजूद भी उसने उनमें से कोई बात नहीं की थी, उससे सिकंदर से ये सवालात करने थे, पर उसे डर भी था कि कहीं सिकंदर फिर से नाराज़ ना हो जाए। ना ही उसे नाराज़ करना चाहती थी और वो उसे स्वीट डिश भी खिला चुकी थी। थैंक्स लीज़ा, तुम मुझे देखने आई, पता है तुम्हारे आने से मेरा मूड अच्छा हुआ। ये तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है सीनियर सिकंदर कि मैं आपको देखने आई, वो शरारत भरे अंदाज में मुस्कुरा रही थी। सिकंदर ने उसकी मुस्कुराहट का साथ दिया। कॉफ़ी मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं, अब कुछ और भी नहीं लूँगा, आराम करना चाहता हूँ अब। तुम भी मेरा ख्याल है अपने घर चली जाओ, काफ़ी देर हो गई है, वो संजीदगी से बोला था। फ़िलहाल तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ सीनियर सिकंदर, वो उसे उस हालत में तनहा छोड़ कर कभी जा ही नहीं सकती थी। क्या वो तकलीफ़ में मुब्तला अपने दोस्त को तनहा छोड़कर घर चली जाती? उसकी देखभाल करने वाला यहाँ कोई भी नहीं था, वो उसके मुल्क और उसकी ज़ुबान से अनजान था, सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो उसे छोड़कर घर चली जाती। वो सिकंदर से कुछ कहने के लिए जा रही थी कि अचानक उसके मोबाइल पर नैनी की कॉल आई। हेलो जी नैनी, वो घर से नैनी को दरवाज़े से बस ये बता कर निकली थी कि कहीं बाहर जा रही है, सो अब फ़िक्र में मुब्तला होकर उनका फ़ोन आना तो लाजमी था। घर का कब आओगी लीज़ा? नैनी मेरा दोस्त है ना सिकंदर, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसके पास हॉस्पिटल में हूँ, सुबह आऊँगी घर, आप सो जाएं। उसने सिकंदर की अपनी जानब उठती निगाहें देखी जिससे वो उसे मना करना चाह रहा था कि वो यहाँ ना रुके। लीज़ा ने उसे नज़रअंदाज करते हुए नैनी को जवाब दिया, फिर खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। लीज़ा तुम घर चली जाओ प्लीज़, मैं ठीक हूँ और वैसे भी मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरी वजह से बेआराम हो, वो संजीदगी और बर्दबारी से बोला। मैं आपके पास यहाँ रुक रही हूँ सीनियर सिकंदर, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, वो धौंस जमाने वाले अंदाज में बोली थी। लीज़ा प्लीज़, सिकंदर प्लीज़, उसने उसी के अंदाज में दोहराया था। गोया तुम नहीं मानोगी, वो हार मानने वाले अंदाज में बोला। हाँ मैं नहीं मानूंगी, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी, मगर उससे पहले नहीं। मगरूर बदतमीज़ और ख़ुद पसंद सिकंदर शहरयार को देखने की आदत हो गई है मुझे, यह अस्पताल में ज़ख्मी और बीमार पड़ा सिकंदर शहरयार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा।
मसवरा, इस जुमले में आप मुझसे अपनी दोस्ती ज़ाहिर करना चाह रही हैं या दोस्ती की आड़ में मेरी बुराइयां गनवाना चाह रही हैं? मैं समझ नहीं सका। वो उसे घूर कर देखता हुआ मसनूही नाराज़गी से बोला और जवाबन खिलखिला कर हंसा। तुम्हारा जो दिल चाहे समझ लो। नर्स सिकंदर को दवा देने कमरे में आई थी। उसने सिकंदर को दी जाने वाली दवाइयों के मुतालिक नर्स से सवालात किए थे। उनमें चंद पेन किलर्स थे और एक नींद लाने वाले की दवा थी, क्योंकि डॉक्टर का अंदाज़ा यही था कि अगले चंद रातें और दिन सिकंदर के बहुत तकलीफ़ में गुजरने थे और वो पुरसकून नींद हो सके, इसलिए दवा दी जा रही थी। नर्स दवा देकर चली गई थी, तब उसने उठकर कमरे की लाइट बंद कर दी। सोने की कोशिश करो सिकंदर। मैं तो सो जाऊँगा, मगर तुम क्या सारी रात यहाँ इसी तरह बैठी रहोगी? सिकंदर ने बेचैन होकर पहलू बदला था। पैर ट्विपों में जकड़े होने के सबब वो करवट लेने से कासर था। शायद एक ही तरफ लेटे लेटे उसे उलझन होने लगी थी। मुझे नींद आएगी तो सोफे पर लेट जाऊंगी, तुम्हें करवट दिलवाऊं? वो उठकर उसके पास आ गई थी। उसने बड़ी आहिस्तगी से उसे करवट लेने में मदद दी थी। थैंक्स, वो बहुत हल्की आवाज़ में बोला था। अब तुम आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो, वो मुस्कुराकर दोस्ताना अंदाज में बोली थी। ओके, मगर प्लीज़ तुम भी सोफे पर लेट जाओ। सिकंदर ने आंखें बंद कर ली। वो वापस कुर्सी पर बैठ गई थी। थोड़ी ही देर बाद उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो सो गया है। अच्छा था उसे नींद आ गई थी, वरना उसकी रात बड़ी तकलीफ़ में गुजरती। सोते में वो कई बार तकलीफ़ से कराहा था, कई बार बेचैनी ने उसके पहलू बदला था। अपने पैर को हिलाने की कोशिश यूं की थी जैसे शदीद दर्द हो रहा है। तकलीफ़ से ही उसे बुखार चढ़ गया था। उसने उठकर उसे कंबल उड़ा दिया था। वो डॉक्टर को बुलाकर लाई थी। डॉक्टर के इत्मीनान दिलाने पर कि परेशानी की कोई बात नहीं है और ये बुखार के लिए भी सिकंदर को दवा रात दी जा चुकी है, वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गई थी। मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद ये ज़रूर चेक कर रही थी कि बुखार तेज़ तो नहीं हो गया। उसे शदीद प्यास लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हलक बिल्कुल सूख गया हो। प्यास की शदीद एहसास से उसकी आँख खुली थी। उसने आँखें खोलकर देखा तो एक अजनबी कमरे में ख़ुद को मौजूद पाकर हैरान सा हुआ। मगर अगले ही पल पैर से उठती दर्द की टीसों ने उसे याद दिला दिया कि वो कहाँ पर है। उसने पहले सर से पांव तक खुद को देखा। वो जिस करवट सोया था उससे उठा नहीं था। वो कुछ भी ओढ़े बगैर सोया था, मगर कंबल ओढ़ रखा था। कमरे में हनोज अंधेरा था, मगर खिड़की से बाहर नज़र डालने पर अंदाज़ा हो रहा था कि एक नया दिन शुरू हो गया है। वो लेटे लेटे हर तरफ नज़रें घुमा रहा था। उसने लीज़ा की तरफ देखा। वो बेड के पास रखी कुर्सी पर उसी तरह बैठी थी जिस तरह रात को बैठी हुई थी। वो कुर्सी से टेक लगाए सो रही थी। उसकी वजह से उसने सारी रात इस तरह तकलीफ़ में गुजारी है। उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। उस सारी ज़िंदगी कभी किसी का कोई एहसान नहीं लिया था और इस वक्त उसने अपने अंदर शदीद किस्म की बेचैनी महसूस की। उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो रात भर उसका ध्यान रखती रही है, उसे करवट बदलवाती रही है। उसे सर्दी तो नहीं लग रही है, वो बेआराम तो नहीं, उस इन सब बातों का ख्याल रखती रही है। ऐसा कोई दोस्ताना और गैर मामूली सलूक उसने नीज़ा के साथ कभी रवाना नहीं किया था कि बदले में उसके खलूस और अपनाइत की तवक्का रखता हो, मगर वो तो ऐसी ही है, दोस्ताना मिजाज और दूसरों की परवाह करने वाली लड़की थी। यही बताया था ना रोबोटो ने उसे नीज़ा के बारे में, मगर वो अपना खलूस, अपनी अच्छाई बहुत ही गलत जगह, बहुत ही गलत शख्स पर ज़ाया कर रही थी। उसने अपने लिए नफ़रत से सोचा। उसने पहलू बदलने की कोशिश की। लीज़ा इतनी चौकस नींद सो रही थी कि मामूली सी आवाज़ से बेदार हो गई थी। एकदम ही सीधे होकर बैठते हुए उसने उसे देखा। क्या हुआ, कुछ चाहिए सिकंदर? पानी, वो आहिस्तगी से बोला। लीज़ा जल्दी से उठी, उसने गिलास में पानी डाला, फिर अपने हाथ से ही उसे लेटे लेटे पानी पिलाने लगी। वो इतना प्यासा था कि पूरा गिलास दो घोंट में ही पी गया था। और लाऊं? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। गिलास वापस रखकर वो फिर उसके पास आई थी। उसने उसके माथे पर हाथ रखा था। शुक्र है टेम्परेचर कम हो गया है, वो उसके पास ही बैठी। तुम्हें ठीक से नींद आई है ना सिकंदर? वो सवाल पूछती हुई खिड़की के पास जा रही थी। नींद, उसने हैरान होकर देखा। वो इतनी बेखबरी वाली गहरी नींद सो गया, उसने सोते में वो ख्वाब क्यों नहीं देखे? वो रोता और चीखता हुआ बेदार क्यों नहीं हुआ? लीज़ा खिड़कियों पर से पर्दे हटा रही थी। खिड़की खोल दूँ? सुबह हो रही है, ताज़ा हवा कमरे में आएगी तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। वो खिड़की पर हाथ रखकर
खड़ी थी। उसने सोचों से अनजान वो गर्दन घुमाकर सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। उससे कुछ बोला न जा सका, उसने सर इस्बात में हिला दिया। लीज़ा ने कमरे की तमाम खिड़कियां खोल दी थी। सुबह की ताज़ा हवा कमरे के अंदर आने लगी थी। बाहर एक नया दिन तुलू हो चुका था। उसके लिए नाश्ता आ गया था। इस बार उठकर बैठने की कोशिश में वो कामयाब हो गया था। उसने मदद नहीं मांगी थी, वो खुद उठकर बैठ रहा था। आराम से आहिस्ता आहिस्ता, सिकंदर तुम्हारे ज़ख्म अभी बिल्कुल ताज़ा हैं। उसने सिकंदर के शानों के गिर्द अपने हाथ रखकर उसे बैठने में मदद दी थी। वो बैठा तो लीज़ा ने उसके कमर के पीछे तकिए लगा दिए थे। उसने उसके लिए स्लाइस पर मक्खन लगाया था। तुम ही नाश्ता करो, उसके हाथ से स्लाइस लेते हुए उसने कहा। ये नाश्ता पेशेंट्स के लिए है, वो मुस्कुराई थी। पेशेंट्स चाहता है उसकी तिमिरदार भी उसके साथ नाश्ता करे, और वैसे भी पेशेंट्स इतना खुश खुराक नहीं कि ये सब खा जाए, वो उसी के अंदाज़ में जवाबन मुस्कुरा कर बोला था। लीज़ा ने उसके साथ नाश्ता शुरू कर दिया था। तुम रात भर सोई नहीं हो ना, उसने आहिस्तगी से पूछा। वो बिल्कुल रूखा पनीर खाने लगी। तुम्हारे सामने सो तो रही थी सीनियर सिकंदर, तुम ऑमलेट तो लो। वो जैसे अपनी अच्छाई के बारे में ज़्यादा कुछ सुनना नहीं चाहती थी। लीज़ा, मैं तुमसे अपने कल के रवैये की मुआज़रत करना चाहता हूँ। तुम अपने 10 काम छोड़कर मुझे बलागोज़ घुमाने ले गई। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। वो नाश्ता रोक कर एकदम ही उससे संजीदगी से बोला था। ज़िंदगी ने उसके साथ जो कुछ भी किया था, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि वो अपने अंदर की करवाहटें दूसरों पर निकालता। और दूसरे भी कौन, ये लीज़ा महमूद जो खुलूस और मोहब्बत से लबालब भरी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। अपने रवैये की बदसूरती पर वो लीज़ा से हकीकतन शर्मिंदा था। लीज़ा ने भी रास्ता रोक दिया था, वो उसकी आंखों में देख रही थी। तुम्हें मुआज़रत करने की ज़रूरत नहीं सिकंदर, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, और मैं बस ये नहीं समझ सकी कि तुम्हें अचानक क्या हो गया था। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता लीज़ा, प्लीज़ तुम माइंड मत करना, वो जवाबन बहुत आहिस्तगी और नरमी से बोला था। वो अब कभी भी उस तुल्ख लहजे में कोई भी बात नहीं कर सकता था। उसका एहसान मंद हो गया था, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि लीज़ा महमूद के अंदर की अच्छाइयाँ और मोहब्बतें ख़त्म करने के बाद कम अज़ कम वो हरगिज़ नहीं बने। जल्द या बदेर ज़िंदगी लीज़ा महमूद को ये समझा देगी कि ना तो ये दुनिया इतनी अच्छी जगह है, ना ही यहाँ बसने वाले लोग, मगर उसे दुनिया और लोगों से मायूस करवाने वालों में वो क्यों शामिल हो। अगर वो मोहब्बतें बांटती हैं तो उसकी ख्वाहिश होगी कि वो लड़की सदा मोहब्बतें ही तकसीम करती रहे, ज़िंदगी का बदसूरत चेहरा कभी उसके सामने ना आए। लीज़ा इस बात में सर हिलाकर मुस्कुराई थी। तुम नहीं बताना चाहते, ठीक है, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। अब तुम लेट जाओ, काफ़ी देर से बैठे हुए हो। वो उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ी तो वो फौरन बोला, मैं खुद लेट जाऊंगा लीज़ा, तुम बैठो। लीज़ा ने उसके इनकार की परवाह किए बगैर उसे लेटने में मदद दी। उसके पैर में शदीद तकलीफ़ थी, उठकर बैठने और फिर वापस लेटने में उसे बहुत तकलीफ़ हुई थी। पैर की तकलीफ़ के आगे बाजुओं पर और सर पर लगी चोटें इंतहाई मामूली महसूस हो रही थी। उन तकालीफ की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था। पैर में जितनी शदीद दर्द की टीसें उठ रही थी, उतना ही ज़्यादा वो अपने अंदर सुकून और इत्मीनान उतरता महसूस कर रहा था। ख़ुद को तकलीफ़ में मुब्तला देख कर उसे एक अनजानी सी मुसर्रत का एहसास हो रहा था। कल एक्सीडेंट के बाद जब वो सड़क पर ज़ख्मी पड़ा था, उसके पैर बाजू और सर से खून बह रहा था, तब बजाय परेशान होने के, तकलीफ और दर्द महसूस करने के, वो खुश हो रहा था। अपना खून बहता देखकर उसे बेहद खुशी हो रही थी। हाँ, वो खून उतना ही अज़ा था, उसे यूं ही बह जाना चाहिए था। उसका वजूद इतना ही बेमसरफ था, उसे उसी तरह किसी अजनबी सरजमीन पर गैरों और अजनबियों के बीच दुनिया से नाता तोड़ जाना चाहिए था। शौरी तौर पर वो ये कभी भी कबूल ना करता कि ये एक्सीडेंट दरहक़ीक़त हुआ किसकी वजह से था, मगर लाशऊरी तौर पर वो जानता था कि गलती गाड़ी वाले की नहीं, उसकी थी। ख़ुद को अनजान और बेपरवाह जाहिर करता वो उस तेज़ रफ्तार गाड़ी को आता देखकर भी अपने आप को बचाने के लिए कहीं दाएं बाएं या पीछे ना हुआ था। वो गाड़ी उसे टक्कर मारती हुई दो कदम आगे जाकर रुकी थी। ड्राइवर ने फ़ौरन ब्रेक लगाए थे, मगर रुकते रुकते भी गाड़ी उसे टक्कर मार ही चुकी थी।
वो सड़क पर औंधे मुंह पड़ा सरशारी से मुस्कुराया था। वो न मदद के लिए चिल्लाया था, ना दर्द और तकलीफ़ से किसी को पुकारा था। उसने गाड़ी के ड्राइवर से ये दरख्वास्त भी नहीं की थी कि वो उसे अस्पताल ले जाए। वो सड़क पर सुकून से पड़ा था। अगर गाड़ी का ड्राइवर उसे उठाकर अस्पताल न लाता तो वो उसी तरह सड़क पर पड़ा रहता, ताकि वक्त ये किए कि उसकी मदद को कोई ना आए और जो वो चाहता है वो हो जाए। बज़ाहिर तो सिकंदर शहरयार ज़हनी तौर पर एक नॉर्मल और सेहतमंद शख्स था, बाशऊर फहम व फरास्त रखने वाला मर्द। वो ख़ुदकुशी की कोशिश क्यों कर सकता था? ख़ुद अपने आप से भी वो यही कह रहा था कि एक्सीडेंट उसकी बेध्यानी और कार के ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी के सबब हुआ है। उसके अंदर ख़ुद से नफ़रत में मुब्तला शख्स उसके झूठ पर हंस रहा था। डॉक्टर उसे देखने के लिए आया, साथ में नर्स भी थी। डॉक्टर उसे सिकंदर के बाजुओं और सर पर बैंडेज तब्दील करने से मुतालिक हिदायत दे रहे थे। वो सिकंदर के ज़ख्मी पैर को मुख्तलिफ अंदाज में हिला जुला कर देख रहा था। पैर की पट्टियाँ फ़िलहाल नहीं खोली जानी थी। वो देख रहा था कि लीज़ा डॉक्टर के पास खड़ी इटालियन में जल्दी जल्दी बोलती उसकी चोटों ही के मुतालिक डॉक्टर से बात कर रही थी। गालिबन उसकी रात की बेसकूनी और तकलीफ़ डॉक्टर को बता रही थी। डॉक्टर और मेल नर्स वहाँ से चले गए। तब उसने लीज़ा से अपना मोबाइल उठाकर देने को कहा। ऑफिस टाइम शुरू हो चुका था। उसे ऑफिस फ़ोन करके बताना था कि वो आज नहीं आ सकता। उसे दोहा अपने हेड ऑफिस में भी फ़ोन करके अपने एक्सीडेंट की इतला देनी थी। वो अस्पताल में बैठकर ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम करना चाहता था। उसके लिए उसे ऑफिस से कुछ मालूमात और चंद फाइल्स दरकार थी। उसे ये तमाम चीज़ें ईमेल कर दी जाएँ। उसको ऑफिस फ़ोन करके ये भी कहना था। सब सोचने के साथ ही उसे ये भी याद आ गया था कि कल विलाबोस गेस जाते वक्त उसके साथ उसका लैपटॉप बैग और ब्रीफकेस भी था। उसके यहाँ तमाम ज़रूरी कामों की तफसीलात लैपटॉप में मौजूद थी। उसे अपना लैपटॉप दरकार था। लीज़ा, तुम्हारी गाड़ी में मेरा लैपटॉप बैग होगा, प्लीज़ वो मुझे ला दो। और प्लीज़ अब तुम घर जाकर आराम करो, सारी रात बेआराम रही हो, घर जाकर रेस्ट करो। वो नरम लहजे में उससे मुखातिब हुआ था। तुम खैरियत से हो सिकंदर शहरयार, कोई ज़रूरत नहीं है आज ऑफिस का कोई भी काम करने की। दो तीन दिन काम ना करने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लैपटॉप पर काम करने के लिए बैठोगे, बार बार जिस्म को हिलाओगे जुलाओगे, हाथों और पैरों पर दबाव पड़ेगा। सुकून से लेटो, जो डॉक्टर ने कहा है वो करो। लीज़ा ने बाकायदा उसे निपटा दिया। बहुत ज़रूरी काम है लीज़ा, वो बेबसी से बोला था। मुश्किल ये थी कि फ़िलहाल वो खुद उठकर जा नहीं सकता था, वरना खुद जाकर लीज़ा की गाड़ी से अपना लैपटॉप ले आता। होंगे ज़रूरी, मगर वो ज़रूरी काम सिकंदर शहरयार की सेहत और उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम नहीं हो सकते। वो बहुत मोहब्बत और अपनाइत से बोली थी, बहुत परवाह करने वाले अंदाज से, मगर फिर भी पता नहीं क्यों दिल में कहीं बहुत ज़ोर से जाकर चुभी थी उसकी बात। सिकंदर शहरयार की ज़िंदगी, तुलखे से बोलता वो एकदम ही चुप हो गया था। वो कहना चाहता था कि सिकंदर शहरयार की ज़िंदगी से ज़्यादा बेमौल और बेवक़्त उस दुनिया में किसी की भी ज़िंदगी नहीं। सात समुंदर दूर उससे बहुत दूर बसने वाली सिर्फ एक हस्ती है जो उसकी मौत पर रोएगी। बाकी दुनिया में किसी को भी उसकी ज़िंदगी या मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस हस्ती के साथ शायद लीज़ा महमूद भी चंद आंसू उसके लिए बहा ले कि ये लड़की सरतापा मोहब्बत है। ये सिर्फ सिकंदर शहरयार की नहीं बल्कि हर किसी ही की तकलीफ़ पर रो पड़ती होगी। लीज़ा बग़ौर उसे देख रही थी। क्या हुआ, क्या कहते कहते रुक गई तुम? कुछ नहीं, वो संजीदगी से मुख्तसरन बोला। कामों के लिए परेशान मत हो, तुम्हारी चोटें ठीक हो जाए, काम भी सारे हो जाएंगे, वो उसकी तरफ झुककर दोस्ताना अंदाज में बोली थी। मेल नर्स आता होगा, तुम अपनी बैंडेज तब्दील करवा लो, मैं घर जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगी। उसने खामोशी से महज सर इस बात में हिलाया था। उसने ऑफिस फ़ोन कर दिया था। रोबर्टो कल रात ही अपनी फैमिली के साथ घूम फिर कर वापस आया था। उसने आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सिकंदर की उससे बात हुई थी, वो उसके एक्सीडेंट का सुनकर फ़िक्रमंद हुआ था, तफसीलात पूछ रहा था, मगर वो अपनी चोटों से ज़्यादा ऑफिस के कामों के लिए फ़िक्रमंद था। उसने रोबर्टो से वो तमाम डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने को कहा था जो उसे ऑफिस से दूर बैठकर ऑफिस का काम करते हुए दरकार थे।
वो स्पंज बात और बैंडेज की तब्दीली वाले तमाम कामों से फारोग हो चुका था। नीम गर्म पानी से हाथ मुंह और जिस्म का ऊपरी हिस्सा धुलने से वो ख़ुद को काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसका मज़ीद कई दिनों तक अपनी उन चोटों के नाज उठाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। वो आज ही हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर चला जाना चाहता था। ज़्यादा से ज़्यादा वो कल का दिन अपने होटल में गुजारेगा, फिर परसों से ऑफिस। लीज़ा दोपहर में फिर अस्पताल में मौजूद थी। तुम सोई नहीं घर जाकर? सो गई थी, 2 घंटे की नींद लेके काफ़ी है। तुम अपनी सुनाओ, तकलीफ़ कुछ कम हुई? वो उससे क्या कहता कि तकलीफ़ जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही अच्छा महसूस करता है। उसने महज ये सर हिला दिया। लीज़ा उसके पास कुर्सी पर बैठ गई थी। तुमने लंच कर लिया? हाँ। तुम म्यूज़िक सुनोगे? मैं तुम्हारे लिए अपना आईपॉड ले आई हूँ। म्यूज़िक में तुम्हारी पसंद तो मुझे पता नहीं, इसमें इटालियन गाने भी हैं और इंग्लिश सॉन्ग्स भी। उसने बैग से निकाल कर अपना आईपॉड उसे दे दिया। वो ये कहकर उसके खुलूस की तौहीन नहीं कर सकता था कि उसे म्यूज़िक, मूवीज़, किताबें, किसी भी चीज़ में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। ये सब कुछ तो ज़िंदा लोगों के लिए होता है। बरसों हुए उसने ख़ुद को ज़िंदा लोगों में शुमार करना छोड़ दिया था। मैं कुछ इंग्लिश मैगज़ीन्स और किताबें भी लाई हूँ, मगर फिर वही बात कि तुम्हारी पसंद मुझे पता नहीं थी। बस जो मुझे पसंद है वो ले आई हूँ। वो उस लिए ये सारा एहतमाम यूँ कर रही थी गोया वो यहाँ कई दिनों तक पड़ा रहने वाला है। उसे सोचकर हंसी आई। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? उसने उसके लबों पर आई मुस्कुराहट फौरन देख ली थी। कुछ नहीं, वैसे ही। वैसे ये मौका अच्छा नहीं है सीनियर सिकंदर, तुम ज़ख्मी होकर बेड पर पड़े हो, तुम्हारे कहीं पर भी चलने भागने का कोई ख़तरा मौजूद नहीं। इस बेहतरीन मौका से फ़ायदा उठाकर मैं तुम्हारी पेंटिंग्स क्यों ना बना लूँ? तुम चाहे जितना भी नाराज़ होगे, मुंह फुलाओगे, मगर उठकर जा तो कहीं नहीं सकोगे, वो शरारत भरे अंदाज में बोली थी और वो बेअख्तियार कहकहा लगा कर हंसा था। मुसव्वरा, मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा था, बड़े अफसोस की बात है कि मेरी दोस्त मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने का इरादा रखती है। उसने तासुब से सर हिलाकर जैसे उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। वो एक अजनबी मुल्क में मिलने जुलने चलने फिरने से कासिर होकर अस्पताल में पड़ा चक था। चाहे उसे अपनी सेहत और ज़िंदगी की परवाह थी या नहीं, मगर बहरहाल उसे यहाँ वक्त पर अपना काम मुकम्मल करके दोहा अपने हेड ऑफिस रिपोर्ट करनी थी। ये एक परेशान कुन सूरत हाल थी और वो लीज़ा के साथ बड़े हल्के मूड में हंसी मजाक कर रहा था। वो हमेशा की तरह उसके साथ बातें करने, उसके साथ वक्त गुजारने को इंजॉय कर रहा था। शायद नहीं, बल्कि यकीनन ये कमाल उस लड़की का था, वरना एक उम्र गुजरी वो तो हंसने वाली बातों पर भी हंसता भूल बैठा था। नहीं सीनियर सिकंदर, मैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा हरगिज़ नहीं उठाऊंगी। मैं आपकी पेंटिंग उस वक्त बनाऊंगी जब आप ख़ुद मुझे अपनी खुशी से ये इजाज़त देंगे, वो मुस्कुराते हुए जवाबन बोली थी। लीज़ा से बातें करते करते कब उसकी आंख लग गई थी उसे बिल्कुल याद नहीं था। उसकी आँख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। वो 2-3 घंटे सोता रहा बग़ैर किसी दवा के। नहीं, शायद दोपहर को नर्स ने जो पेन किलर्स दिए थे उनमें सुकून और नींद लाने वाली भी कोई दवा शामिल रही होगी, उसने फौरन ख़ुद से कहा था। चलो, नींद दवा के साथ आई थी, मगर उसके वो ख्वाब, उसने फौरन ही अपने अंदर से उभरते उसी सवाल को जहन से झटक दिया। उठ गए तुम? वो उसके पास कुर्सी पर बैठी हुई थी, अपने साथ लाई किसी किताब के वर्क गर्दानी कर रही थी। हाँ, काफ़ी देर सो गया मैं। अच्छा है ना, जितना आराम करोगे, खुद को रिलैक्स रखोगे, उतनी ही जल्दी ठीक हो जाओगे, वो मुस्कुरा कर पुरखलूस अंदाज में बोली थी। तुम्हारे लिए स्नैक्स और कॉफ़ी आई थी, तुम सो रहे थे तो मैंने वापस लौटा दिया, अब बोल कर आती हूँ। वैसे तुम कॉफ़ी की जगह चाय तो नहीं लेना चाहते? असल में यहाँ कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा है, लोग चाय कुछ ख़ास पसंद नहीं करते, वो कुर्सी पर से उठते हुए बोली थी। काफ़ी ही ठीक है, ब्लैक, तुम अपने लिए भी लेकर आना, वो बग़ैर तकल्लुफ़ के बोला था। लीज़ा सर हिलाती मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। वो मशरूम्स और पनीर वाला सैंडविच खा रहा था। लीज़ा कुकीज़ खा रही थी।
खाने के लिए उठकर बैठने में उसने लीज़ा की मदद लेने से मना करना चाहा था, मगर उसने फिर भी उसे मदद दी थी। लीज़ा, अभी डॉक्टर आएगा ना तो तुम उससे कहना मुझे अस्पताल से छुट्टी चाहिए। डॉक्टर तक अपना मदुआ पहुंचाने के लिए उसे लीज़ा की ज़रूरत थी। वो आज ही हॉस्पिटल से चला जाना चाहता था। क्या मतलब? कोई एकदम ही यूँ उछली थी गोया कोई बहुत सी अजीब बात सुन ली हो। कल शाम तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, अभी तुम्हारी चोटें बिल्कुल ताज़ा हैं और तुम अस्पताल से डिस्चार्ज होना चाहते हो। खैरियत है ना? वो डांटने वाले अंदाज में बोली थी। लीज़ा, बेड पर लेटकर आराम ही करना है ना, वो मैं अपने होटल में कर लूँगा। यहाँ अस्पताल में इस तरह पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल ही माजूर हो गया हूँ। तुम इसे कुछ भी कहो मगर अस्पताल का रिवायती माहौल मुझ पर नफ्सियाती तौर पर इतना मनफी असर डाल रहा है कि अगर मैं यहाँ रहा तो ठीक होने के में बहुत टाइम ले लूँगा। लीज़ा जवाबन उस बात की मुखालफत में कुछ कहने ही वाली थी कि उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खोल कर रोबोटो अंदर आया। उसके हाथों में फूलों का एक गुलदस्ता था। दोना सैरा, उसने इटालियन में शाम और रात का सलाम उन दोनों को मुश्तरका तौर पर किया था। ये क्या कर लिया तुमने मेरे पीछे? वो उसने अंग्रेज़ी में मुखातिब हुआ। वो जवाबन मुस्कुराया था। बैठो रोबर्टो। लीज़ा ने अपनी कुर्सी रोबर्टो के लिए खाली कर दी थी। रोबर्टो ने मुस्कुरा कर लीज़ा को देखा था। तुम हो सिकंदर के पास, चलो ये अच्छा है। सुबह जब सिकंदर ने मुझे अपने एक्सीडेंट का बताया, मैं यही सोचा जा रहा था कि इटालियन ना आने की वजह से उसे यहाँ मुश्किल हो रही होगी। दोस्ती की है सीनियर सिकंदर से तो अपने दोस्त का ख्याल तो रखूँगी ना रोबर्टो। वो सामने सोफे पर जाकर बैठ गई थी। उसकी वजह से रोबर्टो और लीज़ा अंग्रेज़ी ही में बातें कर रहे थे। रोबर्टो इस बात पर ज़रा सा भी हैरान नहीं था कि लीज़ा उसके पास अस्पताल में क्यों है। हाँ, वो यूं ही तो हर किसी के साथ नेकियां और अच्छाई किया करती थी। रोबर्टो ने उसे लीज़ा के बारे में यही तो बताया था ना। जब रोबर्टो स्पेन में था तो लीज़ा उसकी बीवी को अस्पताल लेकर गई थी, उसके पास वहाँ रही थी। ये अच्छाइयाँ, ये गैर मामूली सलूक, तवज्जो, खुसूसियत के साथ उसके साथ नहीं था, बल्कि ये उस लड़की के मिजाज का हिस्सा था। ये उस लड़की से वाकिफ हर शख्स के लिए था। फिर आखिर रोबर्टो हैरान होता भी तो क्यों? वो उसकी बचपन की दोस्त थी, जानता था वो अपनी दोस्त के मिजाज को। हाँ, ये बात तो है, तुमसे अच्छी दोस्ती निभाने वाला कौन हो सकता है लीज़ा? रोबर्टो ने मुस्कुरा कर लीज़ा की बात का जवाब दिया था। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें ईमेल कर दिए थे, मिल गए हैं ना तुम्हें? कहाँ देख पाया हूँ, मेरा लैपटॉप लीज़ा की गाड़ी में पड़ा है, ये मुझे लाकर ही नहीं दे रही। और अपने मोबाइल में भी मैंने अटैचमेंट खोलने की कोशिश की तो सारे अटैचमेंट खुल नहीं रहे। वो रॉबर्ट की बात के जवाब में कतरे फिक्रमंदी से बोला था। उसे दफ्तर के कामों की फिक्र थी। हाँ तो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ ना मैं। बाय द वे, तुम्हारा लैपटॉप और ब्रीफकेस अब मेरी गाड़ी में नहीं, बल्कि मैंने अपने घर ले जाकर हिफाजत से रख दिया है। बातें सुनो ज़रा इन मैतरम की रॉबर्टो, मुझसे फरमा रहे हैं हमें डॉक्टर से कहकर इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करवा दूँ। ज़रा इसकी चोटें देखो और फिर ये बात सुनो। उसने पहले उसे और फिर रोबर्टो को एक ही वक्त में मुखातिब किया था। मुझे हॉस्पिटल्स का माहौल सूट नहीं करता, तबीयत उलझती है रोबर्टो, रेस्ट करना है, बाकायदगी से बैंडेज चेंज करवाते रहना है, तो ये सब तो मैं होटल भी जाकर बआसानी कर सकता हूँ। मेरा यकीन करें आप लोग, मैं यहाँ रहकर इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकूँगा जितना जल्दी यहाँ से जाकर ठीक हो जाऊँगा। उसके लिए रोबर्टो इतना अहम नहीं था कि वो उसे अपने अस्पताल से छुट्टी करवाने की वजूहात से आगाह करता। उसने रोबर्टो समेत अपने किसी भी जानने वाले मिलने वाले को ये हक़ नहीं दे रखा था कि वो उसकी ज़ातियात में दखल दे, मगर यहाँ मसला लीज़ा महमूद का था। वो उसे टोक नहीं सकता था और ना ही खफा होकर उससे उस मौजू पर बोलने से रोक सकता था। इसलिए नहीं कि यहाँ रोबर्टो मौजूद था, बल्कि इसलिए कि वो लीज़ा के साथ तुल्ख होना नहीं चाहता था। अगर ये बात है, तुमने यहाँ से जाना ही है तो फिर मेरे घर चलोगे, होटल में तो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। लीज़ा उसकी बात के जवाब में फौरन धौंस भरे अंदाज में बोली थी। उसका अपना सर पीटने को दिल चाह था। वो ये क्या नया किस्सा निकाल बैठी थी, अब ये एक नई मुसीबत थी। ये बिल्कुल भी नामुनासिब नहीं है लीज़ा, वो बेहद संजीदगी से बोला था। क्या मुनासिब नहीं है?
लीज़ा ने उसे गुस्से से देखा था। लीज़ा ठीक कह रही है सिकंदर, अगर तुम्हें लगता है कि अस्पताल का माहौल तुम्हें सूट नहीं कर रहा तो फिर तुम्हें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ तुम्हारी देखभाल हो सके। लीज़ा अगर तुम्हें अपने घर ले जा रही है तो ये बहुत अच्छा है, वहाँ उसकी नैनी है, वो तुम्हारा ख्याल रख लेंगी, तुम सहूलत से रह लोगे। रॉबर्टो ने अपनी राय पेश की थी। वो अस्पताल से जाने की बात बोलकर पछता रहा था। वो पहले ही दिन उसे इतना जेर बार आ चुका था, मजीद कोई भी एहसान लेने का वो मुहम्मिल नहीं हो सका था। मुझे असल में आदत नहीं है इस तरह किसी के भी घर रहने की, मैं इजी फील नहीं करूँगा। अपने लहजे को नरम रखते हुए उसने लीज़ा को इनकार किया। वो अपनी आदत के मुताबिक साफ दो टोक और बेमरवती भरा इनकार उसे नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्यों मगर उसे अब लीज़ा से बात करते हुए ये फिक्र रहती थी कि वो कोई ऐसी बात ना करे जिससे उसका दिल दुखे। तुम वहाँ अच्छा महसूस करोगे, ये मेरी गारंटी है सिकंदर, और अगर तुम्हें अच्छा ना लगा तो तुम मुझे साफ साफ बता देना, मैं खुद तुम्हें उसी वक्त तुम्हारे होटल में छोड़ आऊँगी, ये मेरा वादा है। वो सोफे से उठकर बेड के पास आ गई थी और दोस्ताना लहजे और अपनाइत भरे अंदाज में बोली थी, मान जाओ सिने और सिकंदर, तुम्हारी दोस्त लीज़ा महमूद का घर कम अज़ कम तुम्हारे होटल से तो ज़्यादा आरामदेह है। वो बेबस से अंदाज में उसे देख रहा था। वो उसकी अपनाइत, खलूस और मोहब्बतों को पाने का ज़रा सा भी हकदार नहीं था, मगर वो उस लड़की को इनकार कैसे करे। अपनाइत भरा इसरार कर रही थी, वो दोस्ताना अंदाज में हक जता रही थी, और इस अपनाइत और दोस्ताना हक से इनकार करने के लिए उसे लाजमन बेमरवती और सदमहरी का मुजाहरा करना पड़ता, जो वो उसके साथ नहीं कर पा रहा था। वो लीज़ा महमूद के घर हरगिज़ नहीं जाना चाहता था, मगर अखलाकी दबाव में यूँ आ गया था कि उसे उसके घर जाना ही पड़ा था। रॉबर्टो आध पौन घंटा बैठ कर वहाँ से रुखसत हो गया था। उसके जाने के बाद डॉक्टर उसे देखने आया था। लीज़ा ने उससे उसकी बात छुट्टी की बात की। काफ़ी मुश्किलों से डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज करने पर आमादगी जाहिर की थी, वो भी ये कहकर कि मरीज़ अपनी जिम्मेदारी पर जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। उसने सिकंदर को कल आकर दिखाने की ताकीद की थी। आराम से आहिस्ता आहिस्ता उतरो, वो उसके अपार्टमेंट में आ गया था। लीज़ा ने गाड़ी 20 मिनट में ले जाकर रोकी थी। अब वो उसे हाथ पकड़कर बाहर निकलने में मदद दे रही थी। उसे अपने दाएं पांव पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालना था। डॉक्टर की हिदायत पर वो रास्ते से आयरन क्रंच ख़रीद कर लाए थे। डॉक्टर ने ताकीद की थी कि कम अज़ कम भी वो अगला एक हफ़्ता ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे, और अगर चलना नागुज़ीर ही हो जाए तो फिर बैसाखी के सहारे अपने दाएं पैर पर बिल्कुल भी वज़न डाले बग़ैर चले। वो बैसाखी के सहारे अपना सारा वज़न बैसाखी और बाएं पांव पर डाले दाएं पांव को महज घसीटता हुआ चल रहा था। लीज़ा उसके साथ साथ चल रही थी। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना सिकंदर, तुमसे चला जा रहा है ना। मैं दरवाज़े से अंदर दाखिल होते, लिफ्ट में जाते, बाहर निकलते, उसके अपार्टमेंट तक आते आते वो ये सवाल न जाने कितनी बार दोहरा चुकी थी। उसे हंसी आ गई थी। हंसो मत, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ज़िद्दी इतने हो के अस्पताल से डिस्चार्ज होकर ही दम लिया, जबकि अभी 2-3 दिन तुम्हें अस्पताल में रहना चाहिए था। वो उसके हंसने पर चिढ़कर नाराज़गी से बोली थी। लीज़ा के बेल बजाने पर अपार्टमेंट का दरवाज़ा एक बड़ी उम्र की खातून ने खोला था। वो चूँकि गायबाना तारुफ हासिल कर चुका था, चुनानचा जानता था ये लीज़ा की नैनी है, बचपन में उसकी आया थी और अब रूम में लीज़ा के फ्लैट में देखभाल करती हैं। उन्होंने शलवार कमीज़ और दुपट्टा पहन रखा था, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, चेहरे पर नरमी और मोहब्बत भरा तासुर था। अस्सलाम अलैकुम, सारी ज़िंदगी कभी इस तरह किसी के घर मुँह उठाकर नहीं गया था, बहुत अजीब महसूस कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ अंदर आओ, उन्होंने पुरशफ़क़त अंदाज में उसके सलाम का जवाब दिया था। उनकी उर्दू में गुफ्तगू सुनते ही उसे लीज़ा की गालियाँ याद आईं। अपनी नैनी से फरमाइश करके उसने उर्दू में गालियाँ सीखी थी ना, उसे लीज़ा की वो ख़तरनाक उर्दू याद करके दिल ही दिल में हंसी आई थी। नैनी, आपने और मैंने मिलकर सिकंदर की बहुत केयर करनी है, तैयार रहिए, डॉक्टर अभी उसे डिस्चार्ज नहीं कर रहा था, ये ज़िद करके अस्पताल से छुट्टी लेकर आया है। वो लीज़ा और उसकी नैनी के साथ चलता एक कमरे में आ गया था। लीज़ा का अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत था, आर्टिस्टिक किक दे रहा था, लग रहा था ये लीज़ा का
उसके अजीज़ अजान रोमा में अपना फ्लैट है जिसे उसने बड़ी मोहब्बत से सजा और संवार कर रखा था। बेटा तुम बिल्कुल तकल्लुफ मत करना, जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत हो बेझिझक मुझसे कह देना। वो बैसाखी को टाइल्स पर मजबूती से जमा कर उस पर अपना वज़न डालकर बेड पर बैठने की कोशिश कर रहा था, तब नैनी उससे बोली थी उसे बैठने में कुछ दिक्कत का सामना हुआ था, इसलिए उसने महज सर इस बात में हिला दिया। लीज़ा जो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी उसने फौरन ही उसे बैठने में मदद दी। चाय कॉफ़ी कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? नैनी ने लीज़ा और उससे सवालिया निगाहों से पूछा। नैनी खाने का वक्त होने आया है, आप ऐसा करें डिनर ही का इंतज़ाम कर लें। लीज़ा उसकी बैसाखी बेड की साइड टेबल के साथ टिका कर रख रही थी। खाना तो मैं पहले ही तैयार कर चुकी हूँ। वो बेड के ऊपर अपना दायां पांव खुद ही उठाकर रख रहा था, मगर लीज़ा ने जल्दी से पट्टियों में जकड़े उसके पांव को बड़ी आहिस्तगी से, ऐसे कि उसे ज़रा भी तकलीफ़ ना हो, उठाकर बेड पर रखा था। साथ वो नैनी को जवाब भी दे रही थी। ये आपने बहुत अच्छा किया नैनी, बस अब थोड़ी देर में आप मेरा और सिकंदर का खाना यहीं ले आइएगा। ठीक है बेटा, नैनी वहाँ से चली गई थी। वो बेड पर बैठा हुआ था, लीज़ा ने उसकी कमर के पीछे तकिए लगा दिए थे। तकलीफ़ तो नहीं हो रही है पाँव में? इतना चले हो। वो बेड के सामने रखे सोफे पर आकर बैठ गई थी। लीज़ा मैं तुम्हारे इसरार पर आ तो गया हूँ, मगर मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह तुम्हें और तुम्हारी नैनी को अपनी वजह से परेशान करना, वो संजीदगी से बोला था पाँव में दर्द वाले सवाल का नफ़ी में जवाब देने के बाद। मुझे और नैनी को कोई तकलीफ नहीं हो रही सिकंदर, दोस्त आखिर होते किस लिए हैं? क्या सिर्फ हंसी मजाक करने और अच्छे वक्त पर एक दूसरे का साथ देने के लिए? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, तुम तकलीफ़ में हो, और इटली तुम्हारा मुल्क भी नहीं। तुम न यहाँ की ज़बान जानते हो, न रास्तों से वाकिफ़ हो। इस परेशानी में बहैसियत दोस्त मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ कि मैं तुम्हारे मदद करूँ और तुम्हारे साथ रहूँ। वो भी जवाबन संजीदगी से बोली थी। वो खामोश हो गया था। लीज़ा कुछ भी कहती, बहरहाल इस तरह यहाँ आकर खासी शर्मिंदगी हो रही थी, चाहे वो उसे बज़िद होकर इसरार करके या उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ठोस और हक जता कर लाई थी। तब भी ये तुम्हारा कमरा है, उसने खुद ही मौजूद तब्दील कर दिया था, आज रात की बात है, वो कल यहाँ से चला जाएगा। हाँ, वो जवाबन मुस्कुराती हुई बोली। उसने एक प्यार भरी निगाह अपने कमरे में डाली थी। उसकी निगाह सामने दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गई थी। लीज़ा ने उसकी निगाहों के ताकुब में देखा था। ये मेरी और मेरी बहन सैम की तस्वीर है। तस्वीर में लीज़ा और उसकी बहन 5-6 साल की बच्चियाँ थीं। दोनों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाल रखी थी। दोनों बेतहाशा हंस रही थी और एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रही थी। राइट साइड वाली तुम हो ना, है ना? उसने स्कर्ट ब्लाउज़ में मलबूज बालों को की दो पौनियाँ बनाई, खूबसूरत और खूब सेहतमंद सी बच्ची की तरफ इशारा किया। हाँ मैं हूँ, मैं बहुत मोटी थी मैं बचपन में। वो तस्वीर को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए हंसी थी। ये सैम की बर्थडे पार्टी वाले दिन की तस्वीर है। सैम तुम्हारी बहन का निकनेम है? उसे ऐसा लगा था जैसे लीज़ा को अपनी बहन की बातें करना अच्छा लग रहा है, इसलिए उसने अखलाकन उस हवाले से गुफ्तगू बढ़ाई। हाँ, उसका पूरा नाम समानता है, हम लोग प्यार से उसे सैम बुलाते हैं। लीज़ा के चेहरे पर उसकी बहन की मोहब्बत के रंग बिखरे थे। तुम्हारी बहन भी इटली में रहती है? नहीं, उसकी शादी हो गई है, वो पाकिस्तान में रहती है। वो इस बार कुछ दुख भरे अंदाज में मुस्कुराई थी, शायद वो अपनी बहन को बहुत मिस करती थी। वो लीज़ा को बगौर देख रहा था। मुझ में और सैम में बहुत प्यार है सिकंदर, हम दोनों सिर्फ बहनें नहीं बल्कि एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मैं और सैम एक दूसरे से बात ना करें। लीज़ा की बात उसके दिल को बड़ी तेज़ जाकर चुभी थी। वो पिछली ज़िंदगी को कहीं बहुत पीछे छोड़ आया था, मगर फिर भी लीज़ा का उसकी बहन के लिए प्यार देख कर उसे भी कोई याद आ गया था। जो बात बहन भाइयों की होती है वो किसी और की नहीं होती ना सिकंदर। मुझे लगता है आपके भाई या बहन आपके जितने अच्छे दोस्त बन सकते हैं, इतना अच्छा दोस्त और कोई नहीं बन सकता। उनके सामने आप खुद को ऐहा करने से झिझकते भी नहीं हैं। भाई बहन का प्यार कुदरत ने बड़ा अनमोल बनाया है। वो अपनी धुन में बड़े जज़ब से बोली जा रही थी। भाई,
उस पर एक वहशत सितारी हुई थी। लीज़ा, मैं कुछ देर आराम कर लूँ। अपने अंदर की वहशत से घबरा कर उसने लीज़ा से कहा। वो उसकी बदलती कैफियतों से अनजान मुस्कुरा कर बोली, हाँ तुम कुछ देर रेस्ट कर लो, फिर हम साथ डिनर करेंगे। लीज़ा उससे मुस्कुराती हुई बोलते हुए कमरे से बाहर चली गई। वो वहशतों में घरा कमरे में तन्हा बैठा था। उसकी हैरत और ख़ुशी की इंतहा न रही थी जब अम्मू जान ने उसे फ़ोन पर यह ख़बर सुनाई थी कि उसके पापा को उसका ख़ुद अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लेना बुरा नहीं लगा है। तुम्हारे पापा से मैंने बात की है जैन, वो उम्मे मरियम की फ़ैमिली से मिलना चाहते हैं। अगर उम्मे मरियम और उसकी फ़ैमिली उन्हें पसंद आ गई तो उन्हें उसके साथ तुम्हारा रिश्ता करने पर कोई एतराज़ नहीं है। थैंक यू अम्मू जान, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं डर रहा था कि कहीं पापा को ये ना लगे कि मैं अपनी मंगनी वगैरह की बात जल्दी कर रहा हूँ। अभी तो मेरी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ भी मुकम्मल नहीं हुई। खुशी का बेपाया एहसास था जिसने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। मैं भी इसी हवाले से थोड़ी फ़िक्रमंद थी जैन, मगर तुम्हारे पापा ने इस बात को इतने मुस्बत अंदाज में लिया। बोले, हमारे बच्चे अमेरिका में पैदे हुए हैं और यहीं पले बड़े हैं। यहाँ 13-14 साल की उम्र में लड़के लड़कियाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बगैर नहीं रह सकते। हमारा बेटा तो फिर 20 साल का होने वाला है और एक लड़की पसंद करने और उससे शादी करने का सोचने के लिए दुरुस्त रास्ता अपना रहा है, तो हम उसके लिए रुकावट क्यों बने। ज़िंदगी में पहली बार उसके बाप ने उसके लिए वो सोचा था जो वो चाहता था। उसकी आरज़ुओं और ख्वाबों को रौंद डालने की कोशिश ना की थी। उसे इस पल बेअख्तियार अपने बाप पर प्यार आया था। उन्होंने हमेशा उसके दिल को, उसके जज्बात को ठेस पहुंचाई थी। पहली मर्तबा उसके दिल की खुशी का उन्होंने ख्याल कर लिया था और वो बेपनाह खुश थे। उसका सबसे बड़ा खौफ कि पापा इस बात पर क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे दूर हो गया था। उसने फौरन ही उम्मे मरियम से भी उस खुशी को शेयर किया था। सच जैन, तुमने अपने पेरेंट्स से बात भी कर ली? उम्मे मरियम ने खुशी का बेसाख्ता इजहार करते हुए उससे पूछा था। कितनी अहम थी ये लड़की उसके लिए, कितना अहम था उसका साथ उसके लिए। अम्मू जान से उम्मे मरियम के मुतालिक बात करने के बाद उसने उम्मे मरियम को इस बाबत सब कुछ न बताया था। अंदर ही अंदर एक खौफ था, न जाने पापा क्या कहें, किस तरह का रद्द अमल जाहिर करें। अगर उन्होंने इनकार कर दिया, वो उम्मे मरियम को किसी भी तरह का कोई दुख देने का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अगर शहरयार खान का रद्द अमल मुखालफत में होता तब वो क्या करता, ये उसने नहीं सोचा था। और अब जब सब कुछ बिल्कुल ठीक होता हुआ नज़र आ रहा था तब उसे ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत भी कहाँ रही थी। ज़िंदगी पहली बार उसके साथ सब कुछ वैसा कर रही थी जैसा वो चाहता था। उसे पहली बार ज़िंदगी में प्यार आ रहा था। मेरे पापा और अम्मो जान तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहते हैं मरियम, और उसके हसीन चेहरे को अपनी निगाहों के हसार में लेता हुआ बोला, ठीक है जान, मैंने अभी तक अपने घर में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है, मैं अपने पापा से बात करके तुम्हें बताती हूँ। वो मान जाएंगे ना मरियम? उसे एक नया खौफ लाहक हुआ था। मैंने अपने लिए इतना हैंडसम, ज़हीन और चार्मिंग लड़का ढूंढा है, वो क्यों नहीं मानेंगे जैन? मरियम ने उसके चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए बोला। वो जवाबन हंस पड़ा था। मैं ऐसा कुछ ख़ास हैंडसम तो नहीं हूँ और ना ही ज़हीन हूँ, तुम्हें लगता हूँ। तुम जो हो मुझे वैसे ही लगते हो जैन। मैं सबसे पहली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट ही इसलिए हुई थी क्योंकि तुम मुझे बहुत हैंडसम और चार्मिंग लग रहे थे। वो मुस्कुराता हुआ खामोशी से उसके चेहरे को देखता रहा था। वो तारीफ़ करती थी तो बहुत अच्छा लगता था। उसकी तारीफ़ें सुन सुनकर अब कभी कभी उसे खुद ही शक सा होने लगा था कि शायद अब तक की ज़िंदगी में सिकंदर के साथ मुकाबला और मुवाज़ना करने की धुन में वो खुद को अंडर एस्टिमेट करता रहा है, वरना इतना आम सा भी तो नहीं था वो। उम्मे मरियम के पापा अपने ऑफिशियल काम से अमेरिका आने वाले थे। काम चाहे उन्हें न्यूयॉर्क में था, मगर जाहिर है उन्होंने अपनी बेटी से मिलने का
तो लॉस एंजल्स आना ही था। कुछ दिनों बाद उम्मे मरियम ने उसे ये इतला दी थी। वो फ़ोन पर अपने पापा को उसके मुतालिक पहले ही बता चुकी थी। उसने उसे ये भी बताया था और ये भी कि उसके पापा एक रोशन ख्याल आदमी है, वो बेटी की शादी उसकी पसंद की जगह पर ही करना चाहेंगे। अभी उसके पापा के आने में काफ़ी दिन बाकी थे और वो अभी से ही पुरजोश सा था। कुछ खौफ कुछ अंदेशे भी थे दिल में और बहुत सी उम्मीदें आरजुएं और ख्वाब भी दिल में बसे थे। वो दिन गिन गिन कर इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उम्मे मरियम ने अपने पापा के अमेरिका आने की तारीख कंफर्म की, उसने झट घर फ़ोन करके अम्मूजान को ये बात बता दी। ठीक है बेटा, वो यहाँ पहुँच जाएँ, फिर मैं और तुम्हारे पापा उनसे और उम्मे मरियम से मिलने लॉस एंजल्स आ जाएंगे, उसकी अम्मूजान मोहब्बत से गुंधे लहजे में बोली थी। वो समझती थी कि उम्मे मरियम उनके बेटे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरजू है, उसकी ज़िंदगी का पहला ख्वाब है। उम्मे मरियम अपने चचा के घर रहती थी, उसके पापा को भी आकर वहीं ठहरना था और वहीं उन दोनों फैमिलीज़ की मुलाकात होनी थी। शहरयार ख़ान और उसकी अम्मूजान लॉस एंजल्स आ गए थे। वो उन दोनों को उम्मे मरियम के घर ले आया था। वो बेहद नर्वस था, अगरचे दिल में ये यकीन राशिख था कि उम्मे मरियम उसके मगरूर और ख़ुद पसंद पापा को बहुत पसंद आएगी, कि वो उनके आला तरीन मेयार के एन मुताबिक थे। मगर उसकी फैमिली, उसके पापा, वो दुआ कर रहा था कि उम्मे मरियम के पापा और उसकी फैमिली शहरयार ख़ान के मेयार पर पूरी उतर जाएं। वो पैसे को अहमियत देते थे, मगर साथ ही वो आला हसब नसब को भी बहुत अहमियत दिया करते थे। ये तमाम चीज़ें इसके लिए बेमायने थी, सो उसने उन सब के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की थी। उम्मे मरियम के आबा और अजदाद इंडिया में कहाँ से थे और उसके दादा परदादा क्या क्या करते थे, उसमें उसे दिलचस्पी ना हो, मगर उसके पापा को तो होती थी। और ज़िंदगी उस पर वाकई मेहरबान हो चली थी। उम्मे मरियम के पापा, उसका आला हसब नसब, सब कुछ शहरयार ख़ान के आला मेयार के मुताबिक था। वो बड़ों के बीच में खामोश बैठा था। वो देख रहा था कि बातों बातों में शहरयार ख़ान ने उम्मे मरियम के वालिद का पूरा शजरा नसब मालूम कर डाला था और अब वो बड़े मुतमईन और खुश नज़र आ रहे थे। उनके बेटे ने अपने हमपल्ला ख़ानदान की लड़की को चुना है, उसने बाप की निगाहों में पसंदीदगी भाप ली थी। उसकी अम्मूजान मुस्कुरा ज़्यादा रही थी, बोल कम रही थी। जहाँ शहरयार ख़ान भूल रहे थे होते थे, वहाँ वो खामोश ही रहा करती थी। उन्होंने आंखों आंखों में शहरयार ख़ान से इजाज़त ली थी, फिर उसके बाद उम्मे मरियम से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। थोड़ी ही देर बाद उम्मे मरियम ड्राइंग रूम में आई थी। उसके वालदीन से मिलने के लिए उसने शलवार कमीज़ और दुपट्टे पर मुश्तमिल खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया था। वो बेहद हसीन लग रही थी, उस लिबास बहुत खूबसूरत था। उसका उस पर से निगाहें हटाने को जी नहीं चाह रहा था। उसने अपनी अम्मूजान और शहरयार ख़ान के चेहरों पर पसंदीदगी महसूस की। यहाँ आ जाओ बेटा, अम्मूजान ने पुशफ़क़त अंदाज में उसे अपने पास बैठने को कहा था। वो उसकी अम्मूजान के बराबर में और उसके पापा के ऐन मुकाबल बैठी थी। क्या पढ़ रही हैं बेटा आप? शहरयार ख़ान ने क़द्र संजीदगी से उसे मुखातिब किया था। उम्मे मरियम के बोलने का वही अंदाज था जिसे वो दिलों को महसूर कर लिया करती थी। उसके बैठने के अंदाज में, उसकी गुफ्तगू के अंदाज में शहजादियों जैसी आनबान और नज़ाकत थी। वो मुकाबिल को अपनी शख्सियत के सहर में लम्हों में गिरफ्तार कर लेने वाली अहलियत की मालिक थी। उसे उम्मे मरियम पर फ़ख्र का एहसास हो रहा था। जैसे जैसे शहरयार ख़ान उससे गुफ्तगू करते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके चेहरे पर उम्मे मरियम के लिए पसंदीदगी बढ़ती जा रही थी। उसके शौक़, मशागल, मुस्तकबिल के इरादे, शहरयार ख़ान इन सब के मुतालिक उससे गुफ्तगू कर रहे थे और वो भरपूर एतमाद के साथ लबों पर धीमी से मुस्कान लिए उन्हें हैरान कर रही थी। इतनी सी उम्र में वो जो जो कुछ पढ़ चुकी थी और जो जो उसने हासिल कर लिया था, उससे शहरयार ख़ान वाज़ेह तौर पर मुतासर नज़र आए थे। जैसे वो उम्मे मरियम के शहर में गिरफ़्तार हुआ था, वैसे ही
वो अपने माँ बाप को भी उसके शहर में मुब्तला पा रहा था। उसके ख्वाबों की शहजादी ने उसके बाप का भी दिल मोह लिया था। शहरयार खान को उम्मे मरियम बतौर अपनी होने वाली बहू के दिलो जान से पसंद आ गई थी। वो आज सिर्फ उम्मे मरियम के वालिद से मुलाकात करने आए थे। बाकायदा रिश्ता मांगने का कोई इरादा आज के लिए नहीं था, मगर उम्मे मरियम इतनी उन्हें पसंद आ गई थी कि वो उस रोज़ ही बाकायदा रिश्ता मांगे बगैर रह नहीं सके थे। उनके रिश्ता मांगने पर वो भी हैरान था, उम्मे मरियम भी हैरान थी और उसकी अम्मो जान भी। गो वो देख रहा था कि उसकी अम्मो जान को भी उम्मे मरियम बहुत अच्छी लगी है। आनन फानन सब कुछ तय हो गया था। क्या किसी को उसकी मोहब्बत इतनी आसानी से भी मिल सकती है? उसे यकीन नहीं आ रहा था। दोनों तरफ की फैमिलीज़ ने उसके और उम्मे मरियम के रिश्ते को कबूल कर लिया था। शहरयार खान की ख्वाहिश थी कि उन दोनों का बाकायदा मंगनी कर दी जाए। ज़िंदगी से उसके सारे गिले शिकवे लम्हा भर में दूर हो गए थे। मारे खुशी के उसके पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। एक रोज़ बाद वीकेंड था और वही दिन मंगनी के लिए तय कर लिया गया था। सादगी से तकरीब मुनक़द की जानी थी उम्मीद मरियम के चचा ही घर के घर पर। अगले रोज़ उसकी अम्मो जान मंगनी की अंगूठी ख़रीद लाई थी और साथ ही किसी पाकिस्तानी या इंडियन बुटीक से उम्मे मरियम के लिए मंगनी का जोड़ा भी। वो और शहरयार खान उसके अपार्टमेंट ही पर ठहरे हुए थे। मंगनी के बाद उसी रात उन दोनों की वाशिंगटन रवानगी थी और उससे अगली सुबह उम्मे मरियम के पापा की अमरीका से वापसी थी। उसने सिकंदर को अपनी मंगनी की इत्तला देनी ज़रूरी न समझी थी, मगर शहरयार खान और उसके अम्मो जान ने उसे फ़ोन कर दिया था। उन दोनों ने उससे मंगनी पर आने के लिए कहा था। वो वहीं बैठा खुशी खुशी अम्मो जान का उम्मे मरियम के लिए लाया मंगनी का जोड़ा और अंगूठी देख रहा था। शहरयार खान को सिकंदर को फ़ोन मिलाता देख कर उसका मुँह का मज़ा ख़राब हो गया था। उसे अपनी ज़िंदगी में इस सबसे बड़ी खुशी के मौके पर सिकंदर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो अपनी खुशी में उसकी मौजूदगी और उसकी शमूलियत ही नहीं चाहता था। ओ, तुम्हारा पेपर है? हाँ, मैं बिल्कुल भूल गया था, कल तो तुम्हारा पेपर होगा, उसने शहरयार खान को फ़ोन पर बोलते सुना। सिकंदर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसका आना मुश्किल था, उसने तमानियत महसूस की थी। डेट आगे बढ़ा ले, मुश्किल लग रहा है सिकंदर। अच्छा, मैं पूछता हूँ, शहरयार खान ने फ़ोन पर गुफ्तगू ख़त्म की तो अम्मू जान ने उनसे पूछा था, क्या कह रहा है सिकंदर? कह रहा है मंगनी 2-3 दिन आगे बढ़ा ले, कल उसका पेपर है और परसों भी कोई प्रेजेंटेशन वगैरह है। सिकंदर के बग़ैर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, अम्मू जान संजीदगी से बोली थी। वो जल्दी से सर नफ़ी में हिलाकर बोला था, लेकिन मरियम के पापा की परसों सुबह की फ़्लाइट है। मरियम मुझे बता रही थी उसकी दादी काफ़ी बीमार है और उसके पापा को फौरन उनके पास जाना है। मरियम ने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसकी दादी बेशक बीमार थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हो गया था कि परसों सुबह अगर उसके पापा रवाना ना होते तो कोई क़यामत आ जाती। अगर वो मरियम से कहता तो उसके पापा के लिए ऐसा कोई मसला ना था, वो 3-4 दिन बाद की अपनी एक सीट बुक करवा लेते, मगर जब वो ऐसा चाहता ही नहीं था तो क्या तो कहता क्यों? अम्मो जान चाहती थी कि उनके घर की पहली खुशी में उनके सारे घर वाले मौजूद हों। वो दो ही तो भाई थे, एक भाई की खुशी हो और दूसरा भाई मौजूद ना हो, ऐसा किस तरह हो सकता था? शहरयार खान तो ज़ाहिर है अपने वली अहद की मौजूदगी सिर्फ उसी तकरीब में नहीं बल्कि हर जगह और हर महफिल में चाहते थे। उसके माँ बाप सिकंदर की कमी महसूस कर रहे थे, मगर उसे अपने भाई की कमी कतन महसूस नहीं हो रही थी। वो उसके ना आने पर ज़्यादा खुश था, अगर सिकंदर आ जाता तो उसकी खुशी बदमिजाजी में बदल जाती। सिकंदर ने उसे कुछ ही देर बाद फ़ोन किया था, वो खुश भी हो रहा था, उसे मुबारकबाद भी दे रहा था और उसे इसरार भी कर रहा था कि वो मंगनी की तकरीब 2-3 रोज़ आगे बढ़ा ले ताकि वो भी उसमें शरीक हो सके। वो साफ लफ्ज़ों में उससे ये ना कह सका था कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी में उसे उसकी मौजूदगी कतन दरकार नहीं है। उसने गैर जज्बाती और सपाट से लहजे में उम्मे मरियम के वालिद के अमरीका में मज़ीद ना रुक सकने की जवाब पेश कर दी। फिर भी यार कोशिश तो करो, क्या पता वो अपनी सीट आगे करवाने, आखिर उनके होने वाले दामाद के इकलौते भाई की मंगनी में शिरकत का सवाल है, क्या पता वो जैन शहरयार के भाई की अहमियत को देखते हुए अपनी सीट बढ़वा ले, वो शोख और शरीर लहजे में बोला था। बहुत मुश्किल है सिकंदर, उन्हें फौरी वापस जाना होगा, मंगनी का दिन आगे नहीं किया जा सकता, बेमरवत और खुश से लहजे से बोला। अच्छा,
उसके सपाट और दो टोक इनकार ने सिकंदर को मायूस किया था। चलो ठीक है जैन, मैं मौजूद नहीं भी तो तब भी मेरी दुआएं तुम्हारे साथ ही हैं। मेरी होने वाली भाभी को मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि मुझे उनसे मिलने का बहुत शौक़ है और बहुत जल्द मैं उनसे मिलूंगा भी। सिकंदर पुरजोश सा होकर यूँ बोल रहा था जैसे उसकी मंगनी पर बहुत खुश हो। उसे सिकंदर की खुशी मसनूही और बनावटी लग रही थी। ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ उसने पहले हासिल की थी और जैन ने बाद में, यहाँ वो पीछे रह गया था। वो उससे पीछे रह जाने पर खुश क्यों कर हो सकता था। अभी तक उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आई थी और उसके भाई की मंगनी होने जा रही थी, वो भी इतनी हसीन और बेमिसाल लड़की के साथ। ऐसा हो नहीं सकता था कि सिकंदर दिल से उसके लिए खुश होता। उसकी मंगनी का दिन उसके और उम्मे मरियम दोनों के लिए बेहद यादगार दिन था। उम्मे मरियम उसकी अम्मो जान का लाया जोड़ा पहने मशरक़ी अंदाज़ की दुल्हन का रूप बनाए बेपनाह हसीन लग रही थी। वो ख़ुद को ज़मीन पर नहीं कहीं आसमानों पर महसूस कर रहा था। उसने उम्मे मरियम को अपने हाथों से मंगनी की अंगूठी पहनाई थी। उसके पापा और अम्मू जान ने उसे डायमंड का बेशकीमत सेट तोहफे में दिया था। उसके अपने बाप से सारे शिकवे ख़त्म हो गए थे। आज के बाद उसे ज़िंदगी में भी कोई शिकायत बाकी न रहेगी। उसके पापा और अम्मू जान प्रोग्राम के मुताबिक उसी रात वाशिंगटन वापस रवाना हो गए थे और अगली सुबह उम्मे मरियम के पापा भी वापस चले गए थे। वही ज़िंदगी थी, वही कैंप्स की भाग दौड़, वही पढ़ाई की मसरूफियत, मगर फिर भी अब सब कुछ बदला लगता था। वो और उम्मे मरियम अब पहले से भी ज़्यादा वक्त साथ में गुजारा करते थे। अब उनके रिश्ते को एक नाम मिल चुका था, बुज़ुर्गों की रजामंदी मिल चुकी थी। अब कहीं कोई खौफ कोई अंदेशे ना थे। अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।